What is love for you? मेरे दिमाग से तो सबसे पहले फैमिली आंदी है, मेरे मम्मा ते है ना डैड आंदे ने, तो बगैर तुसी रह नहीं सकदे, मैं लगदा वो लव है। मैंने तो नर्वसनेस नहीं, एक्साइटमेंट बहुत रहती है, लाइक मे बी शायद मेरा ड्रीम है ना, तो जो ड्रीम पूरे होंगे ने तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, नर्वसनेस तो नहीं। थिएटर आर्टिस्ट फ्लोर के उपर जाकर थोड़ा चीज़ें ईजी हो जाती ने। थिएटर की लाइक जी सिख है वो डिफरेंट है राइट, तो ऑन स्क्रीन और डिफरेंट है प्रॉपर। इतना शूट करना ईजी है कि 40 दिन की फिल्म करना ईजी? गाने के इन्ना कुछ होंदा नहीं है बेसिकली, सिर्फ नॉर्मल एक्सप्रेशन होंगे। हेलो वेलकम, तुम देख रहे हो जी ABP साझा, मैं हाँ बली बाट। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में नित नवे 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 चेहरे देखने मिले हैं। एक नवी फिल्म रिलीज़ होने जा रही जिसका नाम है उडीकां तेरियां 14 अप्रैल में। इस फिल्म के नाल दो नवे चेहरे इन करन जा रहे हैं, मेरे नाल ने गुंजन कटोज एंड अभिषेक। पहला तो प्यार सत श्रीकाल, की हाल चाल? सत श्रीकाल भाई, बहुत सारी मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक्साइटमेंट कहो जी दोनों? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो जोड़ा सा मूवी पहले 21 आ रही थी, तो हूँ 14 आ रही है, तो फिर एक्साइटमेंट होर बढ़ गई है जी। सो अभिषेक, जदों तक शूटिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उस तो बाद फिल्म ने फ्लोर पर आना होंगे, दोबारा शूट तो रिलीज़ हो जाता, सारा पोस्ट वर्क हो जाता, उद जी एक्साइटमेंट लैवल अगली कभी घटती कभी वही है, वो टाइम किमें लंघता? ज़्यादा तो नर्वस रहती है, बिकॉज हूँ डेट जो लाइक शॉर्ट नज़दीक आती रही है, तो फिर नर्वसनैस होर बढ़ती है, तो हूँ भी असं नर्वस है बिकॉज 14 अप्रोक्सीमेटली आ चुकी है, 10 दिन रह गए माइट भी है ना, तो हूँ एक्साइटमेंट भी है बिकॉज कि लगेगी मूवी, बिकॉज अभी बहुत प्यार बनाई मूवी, सारे मिल के सारे ने बहुत वधिया काम किया राइट, साडा वखरा है, इन्हों का वखरा है, बिकॉज अभी मैं भी मूवी वेखी नहीं है करके, हूँ अभी भी सिनेमा हॉल के ही देखा मिलकर काइंड ऑफ कह सकते हो, बिकॉज थिएटर की लाइक जी सिख है वो डिफरेंट है राइट, तो ऑन स्क्रीन और डिफरेंट है प्रॉपरली, बिकॉज थिएटर के वन गो के सारा कुछ करना पैंता, तो वो प्रॉपरली कट होंगे, थोड़े क्लोज वाइड टाइट शॉट सारे लेंगे, वही सेम एक्सप्रेशन तुम्हें 3-4 बारी देने होंगे। थोड़ा अपने कैरेक्टर बारे दसो, उडीकां तेरियां भी कैरेक्टर थोड़ा किमें होने वाला? मेरा मैं सीमा मैम जी की जवानी का कर रही हूँ प्ले करैक्टर, या मतलब तुम कह सकते हो यंग सीमा जी जी, तो वो मैं कर रही हूँ करैक्टर प्ले, तो पुखराज सर मतलब जसविंदर भुल्ला सर जी की जवानी का कर रहे हैं जी। मैं करैक्टर के बारे दसूँगा कि किदा है ये दस सकता, बाकी तुम सारे थिएटर के भी जाके देखोगे। बेसिकली ये लवर ब्रो है एक तरीके का, जिहड़ा एक कुड़ी दे नाल प्यार दे विच पै जांदा जवानी दे विच, ते हुण वो प्यार मिलूगा कि नहीं मिलूगा वो थिएटर दे विच जाके तुसीं देखना पैणा तुहानू। वट इज़ लव फॉर यू? लव तो मैंने तो मेरे दिमाग से तो सबसे पहले फैमिली आती है, मेरे मम्मा तो है ना डैड आते हैं, तो मैंने तो उही लगता है कि जिदों बगैर तुम रह नहीं सकते, मैं लगता है वो लव है। हर एक दी अपनी अपनी ओपीनियन लव दे बारे, तुहाडी की ओपीनियन? मेरी यार लव दे बारे नो एक्सप्रेशन सर, बिकॉज लव इज़ नो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन है भी नहीं है, बिकॉज वो बहुत डीप है, जे असी गल करें प्रॉपर लव की, वो बहुत वड्डी चीज़ होंगी है, लाइक जिदा असी एक्सप्लेन नहीं कर सकते तुहाडी लाइक रिलेशन विद योर मदर राइट, मदर का किन्ना प्यार है किन्ना नहीं किसी ने नहीं पता, बट बहुत प्यार करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, दस नहीं सकते, बस वही लव है। एक माहौल होंगे शूटिंग सैट के उपर, एक माहौल होंगे जो फिल्म बन के तैयार हो जाती, तुम सारी फिल्म देख लेंगे, रफ कट देख लेंगे, उदो लगे कि यार दैट इज़ अ राइट डेब्यू फॉर मी? बिल्कुल, बहुत वधिया लग्या, तो मतलब मैनू जिदा लग रहा है कि मैंने थोड़ी जी तो सी कि मैं किदा लगूँगी जिदा लाइक असी देखांगे, तो जब मैं वेख्या तो मैं तो लगे कि वाओ है ना, तो ऑफकोर्स राज सैगी सर है ना बहुत ही वधिया, मतलब निखर के आया, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन तो होर ज़्यादा हाए, तो बस यही है। बाकी गाने का एक दिन का शूट करना ईजी है कि 40 दिन की फिल्म करना ईजी है? वैल गाने के इन्ना कुछ होंदा नहीं है बेसिकली, सिर्फ नॉर्मल एक्सप्रेशन होंगे, बट 40 दिन लाना
राइट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੋ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ 40 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਉੱਠਣਾ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਿਓ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਟ 40 ਦਿਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਂ ਵੈਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਸ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫੋਰ ਦ ਡੈਬਿਊ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ